बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ आपका टीचर अदनान नज़ीर। आज हम क्लास 9 के इंग्लिश के सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 7 सुल्तान अहमद मॉस की एक्सरसाइज को ही आगे बढ़ाएंगे। इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, टॉपिक है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स का। तो पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स को मैं डिटेल से आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ बोर्ड पर आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स सबसे पहले, अगर जी हम 8th क्लास में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, 9th में भी पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं कि एडवर्ब्स होते क्या है। एडवर्ब सादा तीन अल्फाज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि एडवर्ब ये बताते हैं कि कोई काम किस अंदाज से किया गया, ठीक है। और इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आखिर में एल वाई लगा देते हैं तो ये वर्ब जो है वो एडवर्ब बन जाते हैं, ठीक है। जैसे रेगुलर के आखिर में आप एल वाई लगा दें तो वो बन जाते हैं रेगुलरली, ठीक है। वाइज के आखिर में आप एल वाई लगा दें तो वाइजली। क्विक के आखिर में आप एल वाई लगा दें तो क्विकली, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये एडवर्ब्स हैं और ये एडवर्ब बनाने का तरीका है। अब पोजिशन ऑफ एडवर्ब, या यूं भी कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। टाइप ऑफ एडवर्ब्स चार होती हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का मतलब है अंदाज, यानी कोई काम किस अंदाज में किया गया, अच्छे अंदाज में बुरे अंदाज में। फिर है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह, किस जगह पर हुआ। एडवर्ब ऑफ टाइम, किस वक्त हुआ। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी मरतबा हुआ, ठीक है, कसर या तादाद को, किसी काम के होने की कसर या तादाद को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के जरिए जाहिर किया जाता है। अब हम ये देखते हैं ये जो एडवर्ब्स हैं इनको इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है या कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, या ये कि इसको इस्तेमाल करने के कितने रूल्स हैं। तो 7 रूल्स हैं टोटल 7 रूल्स हैं जिनके तहत आप एडवर्ब्स को सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 7 रूल्स में से 4 रूल्स इस वक्त आपके सामने मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और जो बाकी के 3 रूल्स रह जाएंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उनको भी डिस्कस करके ये टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले ये कि एडवर्ब कहाँ इस्तेमाल होता है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद या ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। पहला इस्तेमाल क्या है या पहला इसका रूल क्या है इसको इस्तेमाल एडवर्ब को इस्तेमाल करने का, वो ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद या ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखें, इट इज स्नोइंग रेगुलरली। अब रेगुलरली जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है और स्नोइंग जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो हमने कहा कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर है आई शेल गो देयर। यहाँ जो देयर है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, देयर वहाँ, यानी किसी जगह की तरफ इशारा है, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि यहाँ आई शेल गो, यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब था और गो जो है इसका ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद हम एडवर्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स जो किसी काम के होने की तादाद या कसरत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स आमतौर पर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो मुस्लिम सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स आमतौर पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, ये आपके सामने यहाँ मैंने एग्जांपल लिखी है, आई नेवर टेल अ लाई। नेवर जो है ये फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, ठीक है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए कि आपका जो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है वो आपके मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पर चूंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, अगले जुमले में हम देखते हैं, इसमें लिखा है आई हैव नेवर सीन अ टाइगर। अब यहाँ पर हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, सीन मेन वर्ब है, और नेवर एडवर्ब ऑफ टाइम,
ये इन दोनों के दरमियान इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि हमने दूसरे रूल में इसको पढ़ा था। ठीक है, तीसरा रूल है कि एडवर्ब यानी कोई भी एडवर्ब अक्सर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान इस्तेमाल होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान सिर्फ फ्रीक्वेंसी एडवर्ब भी इस्तेमाल नहीं होता, कोई भी एडवर्ब जो है वो अक्सर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान ही इस्तेमाल होता है। जैसे जुमला है ही विल सर्टनली लर्न द लेसन। अब सर्टनली जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है और इससे पहले विल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और लर्न जो है ये मेन वर्ब है। तो इन दोनों वर्ब्स के दरमियान हमने एडवर्ब को इस्तेमाल किया। दूसरी जो एग्जाम्पल है शी इज स्टिल वेटिंग फॉर यू, यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है, वेटिंग मेन वर्ब है और स्टिल एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने दो तरह के एडवर्ब्स को यहाँ पर इस्तेमाल किया और रूल नंबर थ्री जो है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान ही अक्सर एडवर्ब इस्तेमाल होते हैं, तो हमने इससे ये साबित किया। रूल नंबर फोर, जब कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब का वस्फ बयान करेगा तो अमूमन उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, यहाँ इंटरेस्टिंग जो है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि एडवर्ब एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल होता है, तो यहाँ जो वेरी है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है या जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल हो रहा है। फिर हमने कहा कि एडवर्ब अगर किसी और एडवर्ब का बस बयान करें तो फिर उस एडवर्ब से पहले ये एडवर्ब इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे ही इज क्वाइट हैप्पी, यहाँ पर हैप्पी जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है और जो क्वाइट है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये ऐसा एडवर्ब जिसको ये एडवर्ब बयान कर रहा है, तो यहाँ पर हमने एडवर्ब को अपने दूसरे एडवर्ब से जिसको बयान किया जा रहा है उससे पहले इस्तेमाल किया। तो बच्चे ये वो चार उसूल थे या वो चार तरीके थे या एडवर्ब की वो चार किस्में थी कि जिनका इस्तेमाल हमने आज आपके सामने डिस्कस किया है। इसके जो बाकी के तीन पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।